हेलो भैया, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे अल्फा बीएससी का नया प्रॉब्लम जो आया है। देखिए इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक गाड़ी थोड़ा सा स्टार्ट होकर ही बंद हो जा रहा है, इंस्टेंटली बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो इस गाड़ी का बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका आगे जो गाड़ी आ रहा था वो स्टार्ट होकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये इंस्टेंटली ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको गाड़ी को मैं विदाउट स्कैनर लगा कर चेक कर मतलब स्कैनर नहीं लगाएंगे, इसके स्कैनर का बिना इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से देखिए इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा झटका लेकर ही बंद हो जा रहा है, इंस्टेंटली बंद हो जा रहा है। तो इसका क्या फॉल्ट है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप लोगों भी काम कर सकते हैं, कोई स्कैनर वनर नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं तो सब कुछ चेक कर ले, अभी पीछे में जो फ्यूज बॉक्स है उसमें चेक करूँगा कोई फॉल्ट वॉल्ट है क्या नहीं। और इसका रिले जो है, रिले को चेक करो, क्योंकि इसका पहला प्रॉब्लम था इसका इंजन लाइट और ओबीडी लाइट बहुत नहीं आ रहा था। तो इसका क्या प्रॉब्लम था, ईसीयू रिले का प्रॉब्लम था, इसलिए ईसीयू रिले का चेंज कर दियो, ठीक है। तो चेंज करने के बाद आ गया, ठीक है। तो तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर देखिए एक तार काटा हुआ है, एक तार का क्या काज है, काम है, इस तार है वाटर इन फ्यूल का सेंसर का तार है, ठीक है। मैं वो काटा हुआ है तो उसके वजह से ओबीडी जलेगा। तो अभी इसका पीछे में देखूंगा तो क्या का कारण है, क्योंकि इंजेक्टर में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसका इंजेक्टर का जो काबलर है वो मुझे थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि इसका इंजेक्टर काबलर ऐसा नहीं होता है। आप भी देखिए, आप मेरा पिछला वीडियो में देखिएगा, मैं सब कुछ काबलर वाबलर दिखा दिया हूँ। तो इसका इंजेक्टर का जो काबलर है वो कूलेंट टेम्परेचर का काबलर लगा हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी बाहर में काम करके आया है, ठीक है बहन। तो इसको देखिए बहन, इसको काट दिया हो, क्योंकि इंजेक्टर काबलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्टर काबलर का गैप एकदम नहीं होता है और कूलेंट टेम्परेचर का गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इंजेक्टर में देखिए इंजेक्टर काबलर कैसा होता है और इसका कूलेंट टेम्परेचर काबलर लगाया हुआ है, ठीक है। इसके काबलर में गैप है, तो अगर एक गैप होगा तो इंजेक्टर में वोल्टेज कैसे जाएगा, ठीक है। इंजेक्टर में अगर वोल्टेज नहीं जाएगा तो कैसे इंजेक्टर स्प्रे करेगा, आप ही बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा क्या मैकेनिक काम कर रहा मुझे नहीं पता, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी हो गया मैं उसको चेंज करके देखूँगा कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो इंजेक्टर काबलर हमारे पास था, ठीक है, इसलिए इसको आप पिकटल जो है इसको लगाएंगे, लगा के तार का जोड़ के देखेंगे क्या स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इंजेक्टर का काबलर देखिए इसके लॉक होता है, और इसका जो प्रेस करने का जो है उसमें भी आप देखकर ही पहचान जाएंगे, ठीक है, पहचान लेंगे कि इसके काबलर। तो मैं वो तो जोड़ लिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसका देखिए वाटर इन फ्यूल का जो तार है उसको जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वाटर इन फ्यूल का तार इसको जोड़ रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से जोड़ना और टेपिंग भी करना, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो है बॉडी में लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका टेप करने से अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स, टेप कर देंगे तो अच्छा है। तो इसको अभी हम टेपिंग कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें काबलर को नहीं काटा है, इसका गोरा जो है उसमें काटा है, क्योंकि गाड़ी तो वारंटी में नहीं होगा, क्योंकि बाहर में देखिए काटिंग वटिंग करके इसको काम करके लेकर आया है, तो वारंटी नहीं होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पर ही इसको टेप लगा कर इसको गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें वायरिंग चेंज करना होगा तो चैसिस वायरिंग और इंजन वायरिंग दोनों ही वारंटी भी हो सकता था, क्योंकि इसमें काम कर रहा था इसलिए इसको नहीं होगा, तो इसको रिपेयर करके छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली इसको यहाँ पर तो टेपिंग कर दिया हो, तो यहाँ पर भी टेपिंग करूँगा, यहाँ पर भी देखिए इसके जो सिग्नल का तार है जो यहाँ पर लगा हुआ होता है तो वो वहाँ पर तो नहीं जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा तार जोड़ कर ही यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए टेप लगा हुआ है, इसका ऊपर जो कवर होता है मतलब तार का ऊपर उसको काट कर इसको लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तार को अभी और थोड़ा सा छीलेंगे, छील कर इसको तो जोड़ के इसको टेप लगा देंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान से अच्छे से लगाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात बता दो, मेरा चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि मेरा
व्यूअर्स और मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत कम है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, तो मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं सब कुछ देखिए यहाँ पर इंजेक्टर को वो यूज लिया हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया हूँ। तो फाइनली देखिए यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर दिया हो। अभी इसको देखिए मिनी स्मार्ट जो स्कैनर होता है छोटा सा, इसको लगाएंगे, क्योंकि क्यों लगाएंगे देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ओबीडी लाइट जलेगा क्योंकि इसका तार कटा हुआ है तो जल रहेगा, तो इसलिए इसको देखिए मैं फ़ोन में मेरा मोबाइल में लेकर जाऊंगा। अभी देखिए देखिए मैं मोबाइल लेकर आया हूँ कि इसमें देखिए इसको स्कैन करेंगे, इसको देखिए कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो ये आपको ब्लूटूथ वाईफाई एंड नेटवर्क ऑन, मतलब डाटा को ऑन रखना पड़ेगा इसके इसकी, इसलिए इसको कनेक्ट होगा, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर PRN कनेक्ट आएगा, इसके बाद PR आएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रीन सिग्नल आएगा, इसका मतलब एक कनेक्ट मैंने कनेक्ट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल भी आएगा, यहाँ पर देखिए BCI ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ गया है। तो इसके बाद देखिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए क्या गाड़ी है मेरा, देखिए ये जो अल्फा का गाड़ी है, देखिए अल्फा, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे, देखिए इसके जो सारा जो DTC है वो आ जाएगा। देखिए ये देखिए इसका क्या क्या DTC आया है, देखिए वाटर एंड फ्यूल का और रेल प्रेशर सेंसर, SCR हाई, ये जो सेंसर का है वो क्यों आता है वो देखिए, वो एक प्रॉब्लम होता है बैटरी का तार खोलने से भी आ सकता है और एक प्रॉब्लम से भी आ सकता है इसका, अगर रेल ख़राब हो तो, ठीक है। तो मैं फाइनली इसको क्लियर कर दूँगा, पहले क्लियर करके आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाऊँगा कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ये देखूँगा, उसके बाद चेक करूँगा, अगर स्टार्ट नहीं होगा तो चेक करूँगा कि और क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो मैं इसको तो अभी क्लियर कर दूँ, अभी स्टार्ट करूँगा, देखिए फ्रेंड्स। तो अभी फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करूँगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसका चाबी ऑन कर रहा हूँ अभी, देखिए इसका इंजन लाइट ओबीडी लाइट दोनों ही आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका क्रैंक मिस गया है एक बार, तो दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली स्टार्ट हो गया है, एंड देखिए फ्रेंड्स सक्सेसफुल हो गया हूँ, और इसका ओबीडी लाइट जल रहा है तो इसका क्रैंक मिस गया है, इसलिए इसका ओबीडी लाइट जल रहा है, तो इसको कोड क्लियर कर दूंगा तो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली इसको स्टार्ट कर दूँगा, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।